थे बेटा, सर पर आफत आ गई। हर महीने जब पैसा आता था वो भी बंद हो जाएगा। सरला धीरे बोल और मीठा बोल, कोई सुन लेगा। तो क्या करूं, तुम तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं, यही का सहारा था। बात तो सही है तेरी, भाई साहब तो इस घर के सिवा और कुछ छोड़कर ही नहीं गए। गए है ना अपनी तीन औलादे। चांदनी तो फिर भी चली जाएगी अपने घर, पर वो संध्या सदा की मरीज और वो अनुज खाने पीने का कितना पक्का है। एक लीटर दूध तो वो अकेले दिन भर में गटक जाता है। धीरे धीरे, चांदनी की शादी तक निभाना है, उसके बाद सब अपना ही है। कहने से सब अपना नहीं हो जाता है। सरला की मानो, किसी तरह ये मकान अपने नाम करवा लो, और उन अनाथों का क्या है? पड़े रहेंगे किसी कोने में। तुम चांदनी बेटा सोई नहीं अब तक? चाचा जी आपको यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, काम का हर जोर होगा, बेहतर होगा आप वापस ललितपुर लौट जाए। ये क्या कह रही हो बेटा, अगर मेरे जीते जी मेरे भाई बहन का बचपन उनसे छीन जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। जा रहे हैं, सरला भी देखेगी तू अकेले कैसे संभालती है अपने भाई बहन को। दुनिया की ठोकरें लगेगी तब पता चलेगा, और ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। चलो जी। चांदनी की शादी तक निभाना है, उसके बाद सब अपना ही है। नाथों का क्या, पड़े रहेंगे किसी कोने में। ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। वो दोनों अनुज और संध्या को बहुत प्यार से रखेंगे। मेरे एक ही बेटा है चांदनी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर बस उसी के होकर रह जाए। अनुज और संध्या के स्कूल गया था, उनके टीचर्स काफी कोऑपरेटिव हैं, जो भी स्टडीज मिस हुई हैं सब कवर करवा देंगे। शादी के बाद संध्या और अनुज हमारे साथ ही रहेंगे। शादी शादी शादी, क्या शादी जिंदगी है? मेरे भाई बहन न हुए, खिलौने हो गए, कभी तुम्हारे यहाँ कभी चाचा जी के यहाँ, क्यों क्यों मेरे साथ इसी घर में नहीं रह सकते? मुझे अपने भाई बहन और इस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इस घर की बेटी हूँ। से शादी नहीं होगी, मैं संध्या और अनुज के साथ इसी घर में रहूंगी, इसी घर में जहां 10 शीशे तोड़ने पर भी अनुज से कोई सवाल नहीं करेगा, जहां संध्या मेरा दुपट्टा पकड़े पीछे पीछे घूम सकेगी। मैं अपने भाई बहन के बचपन को मुरझाने दे दूंगी और ना ही मैं इस घर को खंडर बनने दूंगी। मैंने सोचा है घर चलाने के लिए मैं यहां म्यूजिक स्कूल खोलूंगी। तुम शादी कर लो प्रेम, अपना घर बसा लो, और जिंदगी के इस दौरान भी तुम्हें अकेला छोड़ दो। मैंने तुमसे प्यार किया चांदनी, शादी की मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं तो बस तुम्हारे संघर्ष के एक एक कदम का साक्षी बनना चाहता हूँ। मेरे कदम जिस राह पर चल पड़े हैं न जाने कहाँ और कब जाकर रुके। कब तक इंतजार करोगे प्रेम? 7 जन्म काफी है ना प्रेम? न मिलने की कसमें, ना साथ का वादा, ना कोई बंधन, और 7 जन्म। हाँ चांदी, न मिलने की कसमें, न साथ का वादा, ना कोई बंधन, बस इंतजार का हक दे दो।
जगह इश्तार बटवा दिए चांदनी, और मैं मंदिर में प्रार्थना भी करके आया हूँ। देखना बेटा, तेरा ये स्कूल खूब चलेगा। कल हारमोनियम और तबले भी आ जाएंगे। वेरी गुड टीचर, इसके बिना अच्छी नहीं लगती। इसकी जरूरत शरारती बच्चों के लिए ही पड़ती है। संगीत आंगन, अरे वाह, स्कूल तो बढ़िया जम गया। आदाब। आदाब। बाय द वे, मिठाई तो खिलाओ। अभी लाई। अमा खां किधर हो यार, रिहर्सल पे कौन आएगा? म्यूजिक फेस्टिवल में, अरे चुप, म्यूजिक फेस्टिवल में बड़े बड़े सिंगर्स का गाना गाने का मौका मिल लिया तुझे, और तू है कि रिहर्सल पे नहीं आ रहा। अरे सुन, मत करो यार, हद होगी। अरे ऐसा चलता रहा तो परफॉर्म कैसे करेंगे? क्यों परफॉर्म क्यों नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा था ना, कल राशन के सामान के थैलों में अब्बू ने तबला पकड़ लिया हमारा, इसलिए। यही, तू एक काम कर, अब्बू को जाके बोल कि हम लोग आते हैं जल्दी। सलाम कहना उनको। जिनेद, क्या छुपा रहे हो? नहीं वो क्या है ना, दो दिन बाद सुबह ठीक तरह से रिहर्सल नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे ही बोल रहे। वो कोई प्रेम, दो दिन बाद तुम्हारा शो है और तुम रिहर्सल्स पर जाने के बजाय यहाँ आ रहे हो। अरे रोज रिहर्सल करता हूँ मैं रात को, तुम ऐसे ही टेंशन। किससे झूठ बोल रहे हो प्रेम, मुझसे या खुद से? तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बुला रहा है प्रेम, वो भी तो हमारा सपना है जो अब तुम्हें अकेले ही पूरा करना है। अब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। वो कभी कभी फूल लगाने, तुम्हारा कभी कभी कब रोज बन जाए पता ही नहीं चलेगा। चलो सुनो, लेकिन चलो जाओ चांदी, लेकिन सुनो तो... आपके म्यूजिक स्कूल में अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। आपका नाम क्या है? राजीव। 4 महीने बाद हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ये हमारा संगीत सुने, कुछ सीखे। जी जरूर, आपको इस क्लास के बारे में किसने बताया? वैसे तो हमारे पड़ोसी हैं, पर नाम बताने से मना किया है। तुझे वक्त कहे रे ये दुनिया वाले, एक पल भी कहीं पर ना रुकने वाले, प्यार से रखना जतन से रखना, हर पल उसे संभाले अब मेरी अमानत तेरे हवाले, अब मेरी अमानत तेरे हवाले। उसमें जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं, मुझमें जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं, मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं, मेरी दुनिया है वो, उसकी दुनिया हूँ मैं, मुझमें जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं, मुझमें जिंदा है वो, उसमें जिंदा हूँ मैं। सारे माँ पाता सारे सारा पमारे सारे धरे सारे मर माँ पाता पड़ा सा मन अनुरागी भयोरे बैरागी, मन अनुरागी भयोरे बैरागी, स्वर सो लगन मोरी लागी, स्वर सो कोई दूसरा है कहाँ, नाज़ रंग
पे उसकी करे गुलस्तान, उसके चारों तरफ खुशबुओं का जहां, उसके चारों तरफ खुशबुओं का जहां, उसकी खुशबू लिए ताजा ताजा हूं मैं, मुझ में जिंदा है वो उसमें जिंदा हूं मैं। बहुत बहुत तारीफ मुझे, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। दीवारों को, चटाइयों को, टीचर को यहीं रहने देते। लेट्स गो। रूप इतना है लेकिन सवारा नहीं, शौक से आईना भी निहारा नहीं, गवारा नहीं, उसको तारीफ सुनना गवारा नहीं, उसकी तारीफ में फिर भी गाता हूं मैं, उसकी तारीफ में फिर भी गाता हूं मैं, मुझ में जिंदा है वो उसमें जिंदा हूं मैं।